जा। हेलो वालेकुम सलाम। सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बारह चालीस हो रहे हैं, साढ़े बारह एक बजने वाला है। मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम अभी नहीं हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं सुबह से बैठी हुई थी अंदर हीटर के आगे, बच्चे सो रहे हैं, ये चले गए अपने काम पर, आज इनका हाफ डे तो ये हाफ डे में आ जाएंगे। और ये देख रहे हो बिल्कुल भी धूप नहीं है दिल्ली में, और दो दिन बारिश भी बताइए, 9 और 10 जनवरी को तो बारिश भी बताइए, ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ बैठ के पी रही हूँ ना गर्म पानी, क्योंकि ऐसे ठंड में ना मुझे कुछ ना गर्म चाहिए हाथ में, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, चाहे गर्म पानी हो, चाहे चाय हो, चाहे ब्लैक कॉफ़ी, कुछ भी हो। तो बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं बिस्तर में, तो मैं को अच्छा नहीं लगा उठाना, क्योंकि रात वो बहुत लेट तक जागे हैं, खेलने का मूड था जैद का, और जब जैद खेलता है तो शुमारा बस उसी के साथ लगी रहती है। तो बस अभी मैं उठूँगी, अपना काम वगैरह करूँगी, और मशीन मैंने 3 दिन से नहीं लगाई, कपड़े नहीं धोए मैंने, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, तो धोए नहीं हैं कपड़े, पर लगानी पड़ेगी। आज तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, कल लगाऊंगी। सो गाइस, ये जो व्लॉग है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड पे ना कोई प्रैंक ट्राई करने वाली हूँ। जी हाँ, सो मैं ना इन पे ना एक प्रैंक ट्राई करने वाली हूँ, और वो प्रैंक की कि ये ना मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, तो मैं इनको किसी का बर्थडे याद नहीं होता, तो मैंने ना इनसे अभी तक कहा नहीं है कि मैं घर जाने वाली हूँ। वैसे प्रैंक नहीं है, ये रियल है कि मुझे घर जाना, बट अभी नहीं जाना, अभी टाइम है। पर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जैद को ना ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, उसकी पहली ठंड है तो उसको ठंड ना बहुत जल्दी लग जाती है। तो स्ट्रिक्टली इन्होंने मुझे मना करा है कि तुम बाहर नहीं जाओगी। अभी अम्मी वगैरह सब लोग घूमने गए हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आ जाओ तुम भी, जामा मस्जिद गए वो लोग, बट इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी जब तक थोड़ी ठंड कम नहीं होती मैं जैद को लेके कहीं नहीं जा सकती। तो मैं इन पर प्रैंक करने वाली हूँ कि भाई मुझे घर जाना है, चाहे जैसे भी जाना है, अब तुम खुशी से भेजो या लड़के भेजो। तो वैसे मैंने कभी करा नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि जो हमारी लड़ाई होती है ना वो बड़ी गंदी वाली लड़ाई होती है, और मेरी शुमारा डर जाती है हमारी लड़ाई से। वैसे हमारी लड़ाई ज़्यादा नहीं होती है और कम लड़ाई होती है, बट आपको पता है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती ही होती है ज़रूर, चाहे वो कितने ही अच्छे कपल हो, लड़ाई तो होनी है। सो बहुत दिन भी हो गए वैसे मुझे लड़े हुए उनसे तो बहुत दिन हो गया लड़े हुए, खैर मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन पे प्रैंक करा जाए कि भाई मुझे जाना, तो आज ना मैं अड़ जाऊँगी कि मुझे जाना, और मुझे आज ही तुम छोड़ के आओ, और फिर देखते हैं क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या करते हैं। पहले तो मुझे पता प्यार से समझाएंगे, मैं नहीं समझूंगी तो मुझ पर चिल्लाएंगे, क्योंकि बच्चों के मामले में वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, चाहे मेरी शुमारा हो चाहे जैद हो। मेरी शुमारा के टाइम पे भी ये मुझे कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि ठंड की वजह से शुमारा को भी बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती थी, और इसी तरीके से जैद के, तो बच्चों के मामले में बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती तो वो खुद चले, वो खुद भी कहीं नहीं जाते हैं, वो काम पे से आके घर में रहते हैं, कहीं नहीं जाते। बहुत कम ऐसा होता है कि काशी भाई के साथ कहीं आसपास चले गए तो चले गए, वरना नहीं जाते। सो मैंने सोचा क्यों ना प्रैंक ट्राई किया जाए। खैर सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया था, चाय पी थी और प्याज के रात पराठे बनाए थे जो रखे हुए थे, तो मैंने वही गर्म करके खा लिए। सो बस अब चलते हैं, काम वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं और नहाते हैं, और फिर उसके बाद हम जब तक ये आ जाएंगे तो मैं कहीं ना अपना कैमरा सेट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। खैर सो गाइस, मतलब आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है। तो वैसे आपको एक और चीज़ बतानी है कि प्लीज़ आप व्लॉग मेरे देखो, क्योंकि आने वाले जो व्लॉग है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि काशी भाई की जो बहन है उनकी है शादी, काशी भाई की बहन की शादी, तो इस वजह से हम लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। शायद मैंने अपने व्लॉग में पहले भी बताया काशी भाई की बहन की शादी है, तो आज मैं फिर बता रही हूँ। मैंने ना हाथ दुख जाता है फ़ोन पकड़े पकड़े,
तो उसकी शॉपिंग वगैरह करेंगे, शादी में बहुत मज़ा आने वाला है, बट ठंड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने जो पार्क है उसी में उसका टेंट वगैरह लग रहा है, उसी में शादी होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद शादी से, ऐद के चक्कर में मैं कहीं नहीं जाती, बट ये शादी बहुत पास है तो इसलिए मैं चली जाऊँगी। और काशिप भाई से हमारा जो रिलेशन है ना, वो एकदम फैमिली वाला है। उनके घर में कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि ये या मैं ना जाएं, और हमारे घर में कुछ होता है तो काशिप भाई ज़रूर आते हैं। तो उनकी मतलब लगा लो कि उनकी बहन है और हमारी बहन, मतलब उनकी बहन हमारी बहन है, तो इसलिए हमें जाना है बहुत ज़रूरी। तो शॉपिंग वगैरह करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, आप ब्लॉग में बने रहना। और अगर मैं बीच में घर गई तो मैं आपको अपना होम टूर भी दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दी प्लीज़ अपना घर दिखाइए। ये घर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये घर रेंटेड है और इस घर को हम बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं। हम कुछ और प्लान कर रहे हैं, कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं। कहाँ जाने वो भी आपको थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा, बट लाइफ ऐसे लगा लो कि पूरी तरीके से ना चेंज होने वाली है। सो आपको थोड़े टाइम में पता लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है उस चीज़ की, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है हमारा प्लान और कितना हम लोग अचीव कर पाते हैं जो हम लोग सोच रहे हैं उसको। सो बस यही है। अभी पता है ऐसे ठंड के मौसम में ना, मेरे को बाहर बैठकर कुछ गर्म पीने में और किसी से बात करने में, किसी से नहीं, मुझे स्विन से बात करने में बहुत मज़ा आता है। और अब आप लोगों से सुनना बैठी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ प्रैंक किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए, मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मैं इनके साथ कोई चैलेंज करने की वीडियो सोच रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा चैलेंज करें। आप कमेंट में बताओ कि हम कौन सा चैलेंज कर सकते हैं, तो मैं वो चैलेंज करूँगी पक्का। मतलब जिसका भी कमेंट मेरे पास, जिसका आप लोग कमेंट करो चैलेंज का, और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब चैलेंज मुझे लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, वो मैं करूँगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कोई और मेरे को कुछ और कमेंट करेगा तो मैं नहीं करूँगी, मतलब एक एक करके मैं सारे चैलेंज करूँगी। बट आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा चैलेंज हम लोग करें। तो बातों में आपको पता है कितना टाइम हो गया, 12:50, मतलब पूरे 10 मिनट हो गए आप लोगों से बात करते करते। ऐसी हूँ मैं बात करने में तो बहुत माहिर हूँ। खैर को सो गाइस, चलते जल्दी काम कर लेते, बैठने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये भी आ जाएंगे 2 बजे। तो जल्दी मैं अपना काम कर लेती हूँ और फिर जब ये आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी और कैसा इनका रिएक्ट होगा उस प्रैंक के ऊपर, वो भी आपको दिखाऊँगी। सो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्रैंक है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। आज मेरा मन कर रहा था मेकअप करने का, तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, लिपस्टिक मैंने डार्क लगाई है क्योंकि इनको ना ऐसा कलर बहुत पसंद है, और मैंने मस्कारा भी लगाया है। देखो कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। सो ये आ चुके हैं और ये हैं बाथरूम में, तो ये नहा रहे हैं और बच्चे मेरे दोनों उठ चुके हैं। और अभी मैं कैमरा थोड़ी देर में सेट करूँगी, क्योंकि आते ही अगर बोलूँगी तो बहुत तगड़ा भड़क जाएंगे। तो अभी चाय वगैरह बनाऊँगी तो पीते हुए फिर आराम से उनसे बात करूँगी, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आज ना मैं सोच रही हूँ मैं अपनी आईब्रोज़ बनवाऊँ, तो मैं अभी शायद आईब्रोज़ बनवाने के लिए जाऊँगी। देखो मेरी आईब्रोज़ ना कैसे, मैं बनवाती नहीं, मैंने बहुत कम बनवाई है कभी कभार, बट आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं जाके आईब्रोज़ बनाऊँ। अच्छा लगता है, थोड़ा सा फेस ना नीट एंड क्लीन हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो मैं शायद आज जाऊँगी, पक्का नहीं है बट कोशिश करूँगी कि जाऊँगी मैं। और शाम को वीडियो बनाने जाएंगे हम कहाँ, शायद काशी भाई के एकेडमी में, क्योंकि अभी अभी प्लान हुआ है कि काशी भाई की शाम को एकेडमी चलेंगे वीडियो बनाने, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए मेरे को वीडियो शूट करना है और फेसबुक के लिए तो वो यूट्यूब, वो जाकर काशी भाई के एकेडमी में बनाएंगे। और काशी भाई के एकेडमी में बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ, किस लिए करने वाली वो आपको आने वाले व्लॉग में भी पता चल जाएगा। सो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं जा रही चाय बनाने, ये लेके आए हैं पेटीज, इनको ना चाय से पेटीज बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ की पेटीज बहुत अच्छी होती है। सो पेटीज लेके आए, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और बच्चे उड़ गए, इन्हें भी खाने पीने के लिए कुछ दे देती हूँ,
और फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रैंक। शुमारा इधर आओ, शुमारा की हालत देखो कैसी हो रखी है। देखो शुमारा ना सो के उठी, ये देखो शुमारा आज ना हम पापा के ऊपर ना प्रैंक करने वाले हैं, लड़ाई वाला। तो अगर पापा और मेरी लड़ाई हो जाए ना तो तुम डरना मत, ठीक है? तुम समझ जाना मम्मी प्रैंक कर रही है, ठीक है? तो शुमारा, लेकिन तुम बोल मत देना तुम पापा की चमची हो बहुत बड़ी वाली। मैं नहीं बोलूंगी। पक्का ना? सो गाइस मैंने शुमारा को सेट कर दे, क्योंकि ना शुमारा ना हमारी लड़ाई से बहुत ज्यादा डर जाती है उसको ना। ए शुमारा नहीं बाबू, नहीं उठो उसके ऊपर से। तो शुमारा मेरी लड़ाई से बहुत डर जाती है, तो और चलो फिर देखते हैं क्या। मैं फर्स्ट टाइम प्रैंक ट्राई कर रही हूँ, डर भी लग रहा है क्योंकि ये जब गुस्से में आ जाते हैं तो आपने देखा, अभी आपने सिर्फ इनका प्यार देखा, आपने गुस्सा नहीं देखा। जिस दिन देख लोगे ना उस दिन बोलोगे कि कैसे मैं झेलती हूँ इनको। बट कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा हम झेल लेंगे क्योंकि हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो चलिए जो आप, सो गाइस जो आपको नीचे लाल का बटन दिख रहा है आप इसको जरूर लिंक करिए। शुमारा क्या है ना, वीडियो देखती रहती है सारा दिन फोन के अंदर, तो उसमें वो लोग बोलते हैं वो आपने रेड कलर का बटन देखा है ना उसको क्लिक करना है, जी हाँ ये वो। तो शुमारा को ना वही चीज पता है, तो शुमारा वही बात बोलती है आके। तो थैंक यू सो मच शुमारा, इससे तुम मेरे फॉलोअर बढ़वा रही हो। तो अभी थोड़ी देर पहले चाय बना लेते हैं फटाफट। सो गाइस आप मेरी जैदू से तो मिले ही नहीं। जैदू देखो देखो देखो, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। सो जैद मेरा ना 7 मंथ का होने वाला है, जी हाँ। और आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हो कि दी आप अपने बेटे को तो दिखाते ही नहीं हो, तो मेरा बेटा तो हर टाइम छूता लेता है भैया, जिमी भी इतनी छूती लेती है। हे जैदू जैद देखो, जैद देखो, जैद देखो, कपड़े पहने कपड़े पहने। देखो गाइस देखो मेरा जैदू तोपे में कितना बोलो लोग, बोलो 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 बोलो। अब मम्मी इसको चुप करा दो चॉकलेट से, चॉकलेट से चुप करा दो। आपको दिखाती हूँ मैं, जैद ना मेरा चॉकलेट कितनी शौक से खाता है। क्या कर रही है ये? देखो गाइस देखो, ये ना तलवे अपनी जीभ के नीचे फंसा लेगा और उसको चूस करेगा। लो जैद इसको ना चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं इसको थोड़ी सी दे देती हूँ कभी कभार, ज्यादा नहीं देती हूँ, बट थोड़ी थोड़ी। जैदू अच्छी लग रही है, अम्मी लग रही है, अम्मी लग रही है। बस मैं से गरम बियर बंद करो, गेट बंद करो, मैं गरम बियर पी रही हूँ। गाइस मैंने ना अपना कैमरा यहाँ सेट कर दिया है और वो ना नीचे से अभी ऊपर आ रहे हैं, मैंने उन्हें कॉल किया था तो बोल रहे बस मैं नीचे ही हूँ, बाइक खड़ी कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो बस वो आने ही वाले। और शुमारा तो अपना मुंह बंद, आ गए आ गए, मैं आपको मैं साइड में कह रहा हूँ। हाँ एक मिनट, क्या ले आई है? अरे हलवा है, गाजर का बना, गाजर का हलवा तुमने तो बताया नहीं अभी, गाजर मैं नहीं घिसूंगी तो कौन, ये तो तुम घिसोगे, देखो मेरे से मैं बना दूंगी हलवा। सुनो अरे वो ना उसमें मिला लिखो है, इतना ही मिला है। मैंने कभी बनाया नहीं हलवा, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। शुमारा ट्यूशन गई थी? गई थी शुमारा ट्यूशन। और सुनो मैं एक बात बोलने वाली हूँ तुम्हें, देखो कई दिन हो गए घर जाए हुए, तो मैं सोच रही हूँ घर चली जाऊँ, मुजीब का बर्थडे आ रहा है। क्यों? अरे वो मुजीब का बर्थडे है ना 16 तारीख को। पागल वागल हो गई हो क्या? क्या हो गया मतलब, घर जा रही हो? तो घर ही जाऊंगी ना, बर्थडे है। अब पागल कितने दिन भी हो गए, समझा करो घर जाए हुए मेरे को। यार देखो तुमने बोला था कि चली जाना, अभी बहुत टाइम हो गया घर जाए हुए, समझा करो। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कलेश क्यों करती हो? मेरा दिमाग यही समझ में नहीं आता मुझे। अरे इसमें कलेश मतलब अपने घर, मतलब तुम अपने घर जाओ और मैंने जब तुम्हारी, तुम अरे ऐसे मत बोलो, समझा करो। जेब का बर्थडे है, मैं पिछले बर्थडे में भी नहीं थी, बाबू होने आला था उस टाइम पे भी मैं नहीं थी। अरे ठंड ज्यादा पड़ रही है यार, रहने दो, लाओ फोन दो मैं बात करूं। दिखा ना किससे बात तो करूं, तुम्हारे भाई से। भाई से बात करके क्या, फोन दो ना। अरे ये क्या बात हो गई, फोन का शुमारा फोन का, बात तो सुनो, फोन दो पहले।
बात क्या करोगे मेरे भाई से, मेरे से कर लो ना, क्या होगा? फोन तो दो पहले, फोन का है तो वो मुझे थोड़ी ना बुला रहा है। हाँ कलेश, खाली पीली का कलेश करा देती हो तुम। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है मुझे घर भेजने में? पति अपने देखो, तुम्हारा पति अपनी बीवी को खुशी से मायके भेजता है, लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है बताओ? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, उसको फोन रुक तो जाओ। हेलो, हाँ जी भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, ये बता पहले जो तेरी बहन है, कौन सी बहन? सैनू। हाँ। अब ये घर आने के लिए कह रही है और यहाँ हो रही है ठंड, बच्चे बच्चे को लेके कहाँ जाएगी भाई ये? भाई घर पे हमारे कहाँ ठंड हो रही है, हम तो पंखा चला के सोते रात में, इतनी गर्मी होती है हमारे घर में। अरे तू अरे भाई आने नहीं दे रहे, बता घर पे मेरे को। साले यहाँ पे हम गर्मी में यहाँ हीटर चला रहे, तू पंखा चला के सोता है घर पे? अब तू ये बात बोल रही है और नहीं आने देंगे मुझे? नहीं मतलब बीमार कर दे हम अपने बच्चे, बीमार कर दे हीटर मंगा देंगे। क्या हीटर मंगा ले सालो, गर्मियों में तो तुम सोते हो, गर्मियों में सोते हो, सॉरी सर्दी में तुम पंखा चला के सो रहे हो। घर जाके अपनी मम्मी से बात करा और ये ज्यादा दिमाग खराब करिए, इसको बोलो समझाने के लिए। हाँ और सुन, अबे तू रख दे ये, पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तो लड़ने के लिए तैयार हो गए एकदम से। मैं तो तैयार से बोल रही हूँ, जब तुम्हारे को पता है जैद की भी तबीयत खराब है, शुमारा की भी खराब है, तो मतलब इन बच्चों के घर में अपने घर नहीं जाऊं? पागल, देखो दो चार दिन के लिए जाने दो ना, ठंड तो पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। जा भाई, पूरी जिंदगी भर के लिए जा, अब दोबारा मत आना यहाँ पे घर पे। ये बात हो गई, तुम तो ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो, क्या हो गया? किसी और का गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो क्या? गुस्से वाली बात नहीं है, जब तुम्हारे को पता है पति घर पर आ रहा है, गाजर का हलवा है, बना लेती प्यार से, बोल दी सीधा जाने का। जाओ जाओ पक्का ना, फिर लड़ो अभी जाओगी पर इसी वक्त में। तुम अपना पेटी ताम झप्पड़ पकड़ो। अरे भैया देखो देखो, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, ले पैक करो यहाँ से निकल जा जा। ऐसे कहते हो तुम? देखो मैं कैमरा शूट कर रही थी, देखो बेइज्जती करा दी मेरी, इतना बुरा बर्ताव करता है कोई, मेरा सूटकेस फेंक दो, ले जाऊंगी उठा के सच में से। जा। सो गाइस, ये हस्बैंड जो है ये प्रैंक करने लायक नहीं है, इन्होंने मेरी बेइज्जती करा दी बहुत गंदी वाली। ये क्या था ये सब? गाइस मैंने ये बोला था कि अभी मत जा, ठंड खत्म हो जाए चले जाना। तो मैं जा नहीं रही हूँ, मैं प्रैंक कर रही थी तुम्हारे। तो मुझे क्या पता तुम प्रैंक कर रही थी, कैमरा देखो कहाँ लगा रखा है। तो प्रैंक ऐसे ही होता है कैमरा छुपा के, बट मैं कान पकड़ रही हूँ, मैं जिंदगी में इनके साथ कभी प्रैंक नहीं करूंगी, मेरी गंदी वाली बेइज्जती कर रही है। देखो मेरा सूटकेस इन्होंने कहाँ उठा के फेंका है, और मेरे भाई को भी फोन कर दिया इन्होंने। चल। सो गाइस मेरी बेइज्जती हो गई है बहुत तगड़ी वाली, इन्होंने मेरे से इतना बुरा बर्ताव करा है। मैं वैसे करता नहीं हूँ इतना बुरा बर्ताव। क्या बर्ताव? हाँ बस मैंने इसको यही बोला था कि भैया अभी ठंड हो रही है, ठंड के बाद चले जा, बच्चा है छोटा सा भी 8 महीने 7 महीने का है, जुकाम उकाम पड़ जाता है, और शुमारा की भी तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला है। बट मेरे को आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि ये ऑन द स्पॉट जिसने मुझे बोला है, मतलब मेरी गलती ये थी कि मुझे अपना प्रैंक थोड़ा लेट शुरू करना चाहिए था, मैंने एकदम से, क्योंकि ये शायद किसी से बहस करके आए हैं, दुकान पे लड़ाई हो गई मेरी किसी से, ये किसी से लड़ झगड़ के आए हैं, तो शायद इसी वजह से ये सब गलत हो गया। और ये उस टाइम पे नहाकर चले गए तो दोबारा से, वरना मैं वो अपना प्रैंक जो है उसी टाइम शूट करने वाली। सो मैंने अपना प्रैंक वहीं जब ही शूट करने वाली थी, बट ये चाय पी रहे थे, इनके पास कॉल आ गया दुकान से और ये चले गए थे, तो ये अभी आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आते हुए मैं एकदम से बोल, पर मुझे नहीं पता था ये बात मुझको उल्टी पड़ जाएगी। खैर ये मेरे को कभी ऐसे मना नहीं करते, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं।
क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे बीमार हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। मम्मी गर्मियों में तो हम खुद बाहर जाते, नहीं जाते बाहर। ये कभी मुझे मेरे मायके जाने से इन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, बट अभी क्या है जैद को एकदम से ठंड लग जाती है। अभी न्यू ईयर पे हम जाना नहीं चाहते थे, पर गुलाब शाही ने जबरदस्ती बुलाया, ये नहीं जा रहे थे और मैं इन्हें जबरदस्ती लेके गई थी गुलाब शाही के बर्थडे में, क्योंकि इन्होंने जब भी मना कर दिया था मेरे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे मेरे बीमार हो जाते हैं। बट जब भी आपसे प्रैंक करो तो बता दे करो, प्रैंक फिर फायदा क्या बता के। प्रैंक कर दिया मतलब सब कुछ कर दिया, प्रैंक है। प्रैंक गाइस, मैं सिर्फ प्रैंक कर रही थी। जो जो आपको नीचे वाले क्लिक दिख रहे हो उसका, ये तो तुमने सुबह सुबह बोल दिया था, तुमने कुछ नया बोला करो। सो गाइस बस ठीक है, जो भी हुआ है खैर मजाक था, ये सब कुछ आज इन्हें गुस्सा आ रहा था इस वजह से इन्होंने ऐसा बोला, वरना मेरे साथ ये ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा हंस दो, ऐसे ही रहोगे टिनके हुए। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, सच में थोड़ा नजा रही हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच, अगर आपने हमें पूरा देखा, हमारा प्रैंक देखा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलते हैं, और अभी लेके आए ये गाजर हलवा बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। मैं हमारे घर में फर्स्ट टाइम हलवा बनना है, मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, उसका व्लॉग भी मैं बनाऊंगी। इसी व्लॉग में बना लो, नहीं इसी व्लॉग नहीं, ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, हम दूसरा व्लॉग शूट करेंगे। सो अपना ढेर सारा प्यार देना, और नेक्स्ट व्लॉग को भी देना, और इस वाले प्रैंक वीडियो प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना, अच्छे कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था ना कि हम लोग कोई चैलेंज वीडियो बनाए, आप हमें बताना हम कौन सी चैलेंज वीडियो बनाएं। गाजर हलवा खाएंगे सबसे पहले, कौन खाएगा। आप हमें कमेंट करके बताना कि हम कौन सी चैलेंज वीडियो बनाए, वो हम चैलेंज वीडियो बनाएंगे। सो फिर मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।